अब जो क्या कह रहा है, द फॉलोइंग टेबल रिप्रेजेंट द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेंडम वेरिएबल एक्स। अब देखो ये हमको पता है कि जो इसकी सारी स्थितियों में प्रोबेबिलिटी होती है, तो इन सब का जो सम होता है ये हमको पता है 1 के बराबर होता है। तो 0.1 प्लस 2k प्लस k 3k और 3k 6k और प्लस 0.2 और 0.1 0.3, ये सारी प्रोबेबिलिटी का सम हमारा 1 हो जाएगा। तो 6k और 0.4, तो 6k और 0.1 माइनस 0.4 0.6, तो k की वैल्यू हो जाएगी 1/10 या 0.1। देखो बेटा इसका ऑप्शन हमारा ए हमारा इसमें ट्रू हो जाएगा। ठीक है बेटा।